हेलो एंड वेलकम टू फ्यूचर टेक्नोलॉजी। मंगल पर मिल गया एलियन का सबूत। नासा के रोवर ने लाल ग्रह से भेजी ऐसी तस्वीर, देखकर वैज्ञानिक भी हैरान। सौरमंडल में पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी मंगल लंबे समय से जीवन की संभावना के बारे में इंसान की कल्पना को जगाता रहा है। नासा के भेजे गए परसिवरेंस रोवर ने हाल ही में एक ऐसी तस्वीर भेजी जिसने वैज्ञानिकों को हैरान करके रख दिया। इस तस्वीर में इंसानी चेहरे जैसी आकृति दिखाई दे रही है। मंगल ग्रह वैज्ञानिकों और खगोलविदों के लिए लंबे समय से आकर्षित करता रहा है। इसकी वजह भी है, ये धरती के सबसे नजदीकी ग्रहों में है जहां पर वैज्ञानिकों को जीवन की उम्मीद है। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियों ने इस लाल ग्रह के अध्ययन के लिए कई मिशन भेजे हैं। नासा के ऐसे ही मिशन के तहत भेजा गया परसिवरेंस रोवर 2021 से मंगल की सतह का दौरा कर रहा है। हाल ही में इस रोवर ने लाल ग्रह की एक तस्वीर भेजी है जिसने वैज्ञानिकों के बीच भ्रम पैदा कर दिया है। सौरमंडल में पृथ्वी का सबसे करीबी पड़ोसी मंगल लंबे समय से जीवन की संभावना के बारे में इंसान की कल्पना को जगाता रहा है। हालांकि व्यापक शोधों के बावजूद अभी तक ऐसे किसी जीवन की पुष्टि नहीं हुई है। अब नासा और दूसरी अंतरिक्ष एजेंसियां इसकी जांच के लिए एडवांस रोबोटिक तकनीकों का इस्तेमाल कर रही हैं। चट्टान बलुआ पत्थर के टुकड़े की तरह दिखती है जो इसके आसपास की अन्य चट्टानों से अलग नहीं है। यह मंगल ग्रह के लिए असामान्य नहीं है क्योंकि यहां कभी पानी बहता था। ये तस्वीर रोवर द्वारा खींची गई अब तक की सबसे भयावह तस्वीरों में से एक है। बृहस्पति के चांद पर जीवन तलाशेगा नासा का महत्वाकांक्षी यूरोपा क्लिपर मिशन, करेगा 2.9 अरब किलोमीटर की यात्रा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा पर एक अंतरिक्ष यान भेज रही है जो ये जांच करेगा कि वहां इंसान के बसने की कितनी संभावनाएं हैं। नासा इस मिशन ये जानने की कोशिश करेगा कि क्या बर्फ से ढके इस चंद्रमा पर जीवन के लिए अनुकूल स्थितियां मौजूद हैं। परसिवरेंस रोवर की हाल ही में भेजी गई तस्वीर में एक चट्टान दिखाई दी जो पहली नजर में कटे हुए इंसानी सिर की तरह लगती है। ये चट्टान एक सूखे मानव सिर की तरह दिखती है जो किसी शरीर से अलग हो गया है और सूरज की कठोर रोशनी में मुरझा रहा है। रोवर के मास्टर कैम जेड कैमरे ने बीती 27 सितंबर को इस तस्वीर को खींचा था। यूरोपा क्लिपर कार्यक्रम के वैज्ञानिक कट निबर कहते हैं, ये हमारे लिए मंगल ग्रह की तरह उस दुनिया का पता लगाने का मौका नहीं है जो अरबों साल पहले रहने योग्य रही होगी, बल्कि एक ऐसी दुनिया का पता लगाने का मौका है जो आज या अभी रहने योग्य हो सकती है। वैज्ञानिकों ने यूरोपा ही क्यों चुना? यूरोपा का अस्तित्व 1610 से ज्ञात है। इसकी पहली क्लोजअप तस्वीरें 1979 में वोयेजर जांच द्वारा ली गई थी जिससे इसकी सतह पर रहस्यमय लाल रेखाएं दिखाई दी। बृहस्पति के बर्फीले चंद्रमा तक पहुंचने वाली अगली जांच 1990 के दशक में नासा की गैलीलियो जांच थी। इसमें कहा गया कि इसकी बहुत संभावना है कि चंद्रमा एक महासागर का घर था। ऐसे में वैज्ञानिकों की दिलचस्पी यूरोपा में है। इट्स ऑल फॉर टुडे। कीप लर्निंग। इफ फाइंड द वीडियो वैल्यूएबल प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।